सो हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। स्वागत करता हूँ आपका एक नई टेक वीडियो में, और कमेंट पे अपना हालचाल ज़रूर बताना। सो गाइस, लेकर के आ चुका हूँ आपके लिए एक कमाल की ट्रिक, जिसका इस्तेमाल करके आप जो है अपने डिलीटेड मैसेजेस व्हाट्सएप के फिर से रीड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो उसके लिए आपको सिंपली एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की ज़रूरत है, जिसका नाम है नोटिस सेव। तो मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया है, तो इसको ओपन करते हैं। तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। इसको नेक्स्ट कर दिया जाए, और यहाँ पे जो है इसकी परमिशंस को अलाउ करना है। सो मैंने इसकी परमिशंस अलाउ कर दिया है ऑलमोस्ट। सिंपली जो है मैं इसमें ऑल ऐप सेलेक्ट कर देता हूँ, और जैसे जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसमें एक मैसेज भेजा है, तो हम ऑनलाइन आ जाते हैं। भाई लोग, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अपने पापा के फ़ोन से जो है इस पर एक मैसेज सेंड किया है। अब मैं इस मैसेज को व्हाट्सएप से डिलीट करता हूँ। मैं अपने इस पर व्हाट्सएप ओपन कर लेता हूँ, और ये मैसेज को मैंने दूसरे फ़ोन से कर दिया डिलीट। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैसेज हो गया डिलीट, लेकिन उस एप्लीकेशन में अभी मैसेज जो है वो पड़ा हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है जो मैसेज भेजा गया दूसरे समय, वो वहाँ से व्हाट्सएप से तो डिलीट हुआ है, लेकिन वो यहाँ नोटिस सेव से नहीं डिलीट हुआ है। तो गाइस, यही है आपकी सिंपल ट्रिक। तो मिलता हूँ आपकी नेक्स्ट वीडियो टेक की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और भाई लोग, कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये एप्लीकेशन आपको कैसी लगी, और आपको कोई भी दिक्कत आती है कोई भी टॉपिक पे, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसी कमेंट में जो है वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए गाइस, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ आपको नई टेक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।